रेडीमेड स्क्रिप्ट्स का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अनलिमिटेड स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग। गो टू प्ले स्टोर और यहां से आप डाउनलोड कर लो एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर। यहां से प्ले बटन टेलीप्रॉम्प्टर को ऑन करना है और इसको पढ़ते हुए चलना है लाइक दिस। एवर वंडर, अब जल्दी से इस वीडियो को पहले देख लेते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ से प्ले बटन टेलीप्रॉम्प्टर को ऑन करना है और इसको पढ़ते हुए चलना है लाइक दिस। गाइस, सबसे बड़ी बात कैप्शन। अगर आपको लगता है कि कैप्शन आपको चाहिए अपने वीडियो के अंदर तो यू कैन यूज इट लाइक, बस अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो आपकी लाइफ जो है वो सेट होने वाली है। गाइस, सच बताना कि 2024 में आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, क्योंकि आपने इतने YouTube वीडियोस देखे होंगे कि इन्फ्लुएंसर्स इतना कमाते हैं उतना कमाते हैं, ये गाड़ी खरीद ली, वो बंगला खरीद लिया, ये फॉरेन ट्रिप मार रहे हैं, ये लग्जरी कार खरीद रहे हैं, वगैरह वगैरह, राइट? क्यों होता है ये सारी चीजें? क्योंकि इन्फ्लुएंसर की जो फेस वैल्यू होती है ना, उस फेस वैल्यू पे ब्रांड इतना पैसा खर्च करने के लिए रेडी होते हैं कि वो एडसेंस यूट्यूब से जो आता है वो तो कुछ भी नहीं होता, वो शायद वो खोल के भी नहीं देखते होंगे यार बैंक अकाउंट में आया भी या नहीं आया। जो मेन काम होता है ना वो होता है ब्रांड डील्स और वो होता है आपका ब्रांड से स्पॉन्सर, और ये तब मिलता है जब आपकी फेस की स्ट्रॉन्ग वैल्यू है मार्केट में और आप किसी एक निच में एक्सपर्ट हो जिस निच की वजह से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और उस निच से रिलेटेड जितने भी टूल्स या गैजेट्स या जो भी प्रोडक्ट होंगे या सर्विस होगा उस कंपनी के स्पॉन्सर्स आपको मिलते हैं। अब आप बोलोगे ये सारी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गाइस 2024 में ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उस लेवल पे जाने वाला है कि आप ऐसा मान लो कि अगर आप इन्फ्लुएंसर बन गए तो हो सकता है आपकी लाइफ की नैया एक साल में पलट जाए, और ये मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ये बोलने के लिए बोल रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर आप में से ऐसा कोई है जिसको लगता है कि मैं किसी एक निच में एक्सपर्ट बनना चाहता हूं बस मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आज मैं रास्ता तो बहुत दूर की बात है, मैं आज आपको उंगली पकड़ के उस निच का एक्सपर्ट बना ही दूंगा और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपए का खर्चा नहीं कराऊंगा, एक रुपए का भी नहीं। और आप सारा ये काम, इसके लिए आपको ये लैपटॉप भी बंद कर दो, मतलब नहीं चाहिए, आप मोबाइल से कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप भी नहीं है ना, ये तो है, बस इससे शुरू कर दो। मैं आज आपको इन्फ्लुएंसर बनने का वो हैक बता रहा हूं जिससे आपकी फेस वैल्यू मार्केट में इतनी चमकेगी कि मतलब मान लो एक साल में आपका जो सारा पीछे का और अभी की जितनी भी गरीबी है ना खत्म कर दोगे अगर आप उस तरीके से कर पाए। देखो, अगेन इफ एंड बट हर जगह होते हैं, सिर्फ मेरे बता देने से आप ऐसा कर लोगे ऐसा नहीं पॉसिबल है, लेकिन मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूं वो प्रोसेस। इसमें 3 स्टेप्स है, अगर आप इन 3 स्टेप्स को कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप वो कर लोगे जो मैंने अभी तक पूरी वीडियो में बताया। सबसे पहला स्टेप, आप गूगल ओपन कर लो, गूगल पे जाओ और गाइस गूगल पे आप जल्दी से scriplo.com को ओपन कर लो। scriplo.com एक 100% फ्री रेडीमेड स्क्रिप्ट्स का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अनलिमिटेड स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग। कब तक फ्री होगा तब तक तो फायदा उठाओ, मुझे नहीं पता कब तक फ्री रहेगा, लेकिन जब तक रहेगा तब तक फायदा उठाओ। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, यहां से डेली एक स्क्रिप्ट निकालनी है, मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कि अगर आप डेली 2 वीडियो बनाना चाहते हो शॉर्ट, या डेली 3 बनाना चाहते हो, डेली 5 बनाना चाहते हो, उतने आप उठाओ, लेकिन अपने निच से पहले आप निच डिसाइड कर लेना। देखो, अब फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि मैं एक फाइनेंशियल निच में हूं, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक फाइनेंशियल कंटेंट आज बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, मैं एक स्टेप दिखाऊंगा, मतलब एक शॉर्ट बनाने का 3 स्टेप दिखाऊंगा। आपको ये डेली करना है अपने इन्फ्लुएंसर बनने की इस जर्नी के अंदर। अब आपको सिंपल क्या करना है, मान लेते हैं ये वाला ले लेते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर डाइवर्सिफाइंग योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, बाय नाउ पे क्लिक करना है आपको। सारी डिटेल भर देने के बाद यहां पर आपको आई हैव रीड पे क्लिक करके प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन प्लेस ऑर्डर, अब आपको फ्री में ये जो स्क्रिप्ट है डाउनलोड करने के लिए दे दी जाएगी फ्रॉम दिस वेबसाइट। तो गाइस, आप यहां पर देखो आपके पास आ गया डाउनलोड करने का बटन, डाउनलोड पे क्लिक करो एंड ये स्क्रिप्ट हो गया आपका। तो स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है कि आज का वीडियो क्या बनेगा वो मेरे पास आ गया। वीडियो क्या होगा, स्ट्रेटजीज फॉर डाइवर्सिफाइंग योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ये उस केस में है जब मैं एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूं। अब आप यहां पर देखो सिंपल यहां पर क्या है, इंट्रो है, मिडिल है और आउट्रो है, मतलब इंट्रो क्या करना है हमें अपनी वीडियो के अंदर और फिर मिडिल में क्या बोलना है, मेन कंटेंट क्या देना है और फिर आउट्रो में क्या बोलना है, मतलब एंड कैसे करना है वीडियो का। तो इस तरीके से इस स्क्रिप्ट को लिखा गया है। अब सेकंड स्टेप के 2 ऑप्शन बताने वाला हूं, अब दोनों में से कौन सा आपको चूज करना है ये चॉइस मैं आप पे छोड़ता हूं। पहला ऑप्शन है कि आप इसको याद कर लो, फॉर एग्जांपल आप याद कर लो इंट्रो में क्या बोलोगे, एवर वंडर्ड व्हाई स्मार्ट इन्वेस्टर्स रेयरली पैनिक, इट इज ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू इन्वेस्ट इन बट हाउ यू स्प्रेड योर रिस्क। ये आपका इंट्रो हो गया, याद कर लो एंड कैमरा को उठाओ और बोलना शुरू कर दो, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा ये एफर्टियस हो सकता है कि इसमें मेहनत जाए, याद रखने की क्षमता आप में कितनी है और कितना लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आप याद रख पाओगे उस पर भी डिपेंड करेगा, बट एक्चुअली में दुनिया में यही होता है। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो जितने भी एक्टर्स हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, स्क्रिप्ट को याद करते हैं और फिर इसको बोलते हैं अपने तरीके से। सेकेंड ऑप्शन,
मोदी जी वाला ऑप्शन। मतलब मोदी जी मतलब कोई भी अगर बड़ा आदमी होगा तो वो जब हजारों या करोड़ों लोगों को संबोधित करता है तो वो क्या करता है, वो स्क्रिप्ट का वर्ड टू वर्ड पढ़ता है, क्योंकि उसे एक भी वर्ड मिस नहीं करना है और उसमें कुछ भी गलत ना बोलते बोलते वक्त उसका ध्यान रखना है, इसलिए वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट पढ़ना है, जिसके लिए उनको चाहिए होता है टेलीप्रॉम्प्टर। अब टेलीप्रॉम्प्टर जो है ना ये बहुत महंगा एक इक्विपमेंट होता है, बट मैं आज आपसे पैसा तो खर्च कराऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि 100% फ्री रहेंगे ऑल द 3 स्टेप्स और आप एक इन्फ्लुएंसर बनोगे। तो आज मैं आपको एक ऐप बताने वाला हूं, वो ऐप मेरे पास तो ऑलरेडी है, अब आपके पास है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आप डाउनलोड कर लो, वो ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, गो टू प्ले स्टोर और यहां से आप डाउनलोड कर लो एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर This one। अब ये एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर मेरे पास तो है, लेकिन मेरे पास का प्रो वर्जन है। प्रो और फ्री में क्या फर्क है मैं बताता हूँ। देखो नीचे दिख रहा है प्रो, ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड लिख रहा है, लेकिन ये एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर जो नॉर्मल वाला है फ्री वर्जन है, इसको इंस्टॉल मैंने नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास प्रो मैंने खरीद लिया है 200 या 300 रुपए का, मुझे लाइफ टाइम का मिल गया। आप भी 200-300 रुपए का लाइफ टाइम ले सकते हो अगर आप इसके एड्स नहीं देखना चाहते हो, वरना ये ऐप तो बिल्कुल फ्री है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूँ, लेट्स ओपन इट। और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा गाइस, मैं यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को आके As it is पेस्ट कर दूंगा फॉर माई वीडियो। अब मैं यहां से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद लेट्स कम हियर एंड प्लस पे क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस। तब मेरा पूरा कंटेंट यहां पर आ गया है। अब यहां पर ये मिडिल विडिल जो भी है इसको हटा देता हूं जल्दी से, मैं मिडिल हट गया, आउट्रो यहां से हटा देता हूं बिकॉज मुझे एज एन आउट्रो नहीं बोलना है इसको, और बस अब सब कुछ एज इट इज है। अब मुझे सिंपल पता क्या करना है, अब ऊपर देखो एक प्ले बटन है, इस प्ले बटन पे क्लिक कर लो। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन प्ले बटन, अब आपको क्या करना है, ये प्ले बटन एक और बड़ा दिख रहा है, तो गाइस अब आपके सामने ना जो टेलीप्रॉम्प्टर है वो लिख के देगा कि आपको पढ़ना क्या है, जैसे ये लिखता हुआ आ रहा है ना, तो अब आपको ये पढ़ते हुए चलना है। अब बोलोगे पढ़ते हुए चलना है तो रिकॉर्ड कहां हो रहा है, एग्जैक्टली तो उसका सॉल्यूशन पता है क्या है, उसके सॉल्यूशन के लिए आपको यहां नहीं पढ़ना है, आपको ये ऊपर एक मिरर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आप पॉप आउट कर दो। जैसे आप पॉप आउट करोगे ना एक बॉक्स बन के आ गया, अब आप टेलीप्रॉम्प्टर के इस ऐप से बाहर आ जाओ इस तरीके से लाइक दिस। अब बाहर आने के बाद अब आपको कैमरा का ऐप ओपन करना है, कैमरा का ऐप ओपन करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना कि आपका जो टेलीप्रॉम्प्टर है जितना ज्यादा हो सके कैमरा के पास होना चाहिए। जैसे मेरा कैमरा ऊपर है और सेंटर में है, जिसका लेफ्ट में है वो लेफ्ट में कर देना, जिसका राइट में है वो राइट में कर देना, मेरा सेंटर में है तो मैंने सेंटर पर रख दिया, ताकि मैं जब इसको पढ़ रहा हूं तो दुनिया को ये ना लगे कि मैं कुछ पढ़ रहा हूं, उसको लगे कि आंखें जो है मेरी कैमरा की तरफ है। अब देखो यहां पर कमाल क्या होने वाला है, कमाल ये होने वाला है कि आपको सिंपल इसको प्ले बटन पे क्लिक करना है और अब आपको इसको पढ़ते हुए सिर्फ चलना है, बाकी आपका सब रिकॉर्ड भी होगा और देखना कितनी कमाल की एक आउटपुट निकल के आएगी। अब इसको ना आप एक जल्दी से मैं इसको पॉज करता हूं, देखो पॉज टच करने से हो जाता है। अगर आप चाहो तो इसको एक अच्छी जगह स्टेबल जगह रख दो, वरना मेरे पास ट्राइपॉड तो है मैं उस पर लगा सकता हूं, बट फॉर ट्यूटोरियल पर्पस मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं इस तरीके से। तो आपको सिंपल पता क्या करना है, एक अच्छा सा एंगल देखना है कि पीछे का बैकग्राउंड वगैरह सब ठीक हो जाए, और फिर जब उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो ना कि हां ये वाला एंगल ठीक है अब मैं पढ़ सकता हूं, अब गाइस सबसे पहला चीज जो आप करोगे वो करोगे कैमरा को ऑन, मतलब कैमरा पहले ऑन होना चाहिए। अब इसके बाद आपको यहां से प्ले बटन टेलीप्रॉम्प्टर को ऑन करना है और इसको पढ़ते हुए चलना है लाइक दिस। एवर वंडर्ड व्हाई स्मार्ट इन्वेस्टर्स रियली पैनिक? It is all about diversification. In the financial world, it's not just about what you invest in. Those who had their investments spread out never. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर अटक गया, those who had their investments traditional and alternative investments blah 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 blah। अब मैं इसको बंद करता हूं, मैं मान लेता हूं मैंने पूरा पढ़ लिया है। अब यहां पर मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा गाइस कि आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग स्पीड को प्लस माइनस कर सकते हो, लाइक मैं भी माइनस कर रहा हूं, मतलब मैं स्पीड कम कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत जल्दी चल रहा था, अब आप प्ले करोगे तो ये थोड़ा स्लो चलेगा लाइक एज कंपेयर जो पहले चल रहा था। तो अपने अपने बोलने के स्पीड को सिंक करते हो आप यहां पर प्लस माइनस का स्पीड यूज करके, आप इसको तेज और स्लो मतलब फास्ट एंड स्लो कर सकते हो लाइक दिस। मैं आपके सामने कर रहा हूं देखो लाइक दिस, लेकिन आपको कोशिश करना है कि ये एक मिनट के अंदर आ जाए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप उसे फास्ट करोगे तो ये देखो अब ये जो कंटेंट है ये एक मिनट में आ जाएगा, इस स्पीड के साथ मुझे पढ़ना पड़ेगा तभी ये एक मिनट के अंदर कवर होगा, वरना ये एक मिनट के अंदर कवर नहीं होगा। अब मैं मान लेता हूं मेरा कंटेंट बन गया, तो मैंने इसको कर दिया रिकॉर्डिंग ऑफ, अब इसको बंद कर दूंगा, ऐसा कोई काम नहीं है। अब हमारा थर्ड स्टेप चालू हो जाएगा गाइस, व्हिच इज द एडिटिंग ऑफ दिस वीडियो। अब जल्दी से इस वीडियो को पहले देख लेते हैं, पहले ऑन होना चाहिए। अब इसके बाद आपको यहां से प्ले बटन टेलीप्रॉम्प्टर को ऑन करना है और इसको पढ़ते हुए चलना है लाइक दिस। So guys, देख रहे हो मेरा रिकॉर्डिंग भी क्रिस्प हुआ है और मेरा कैमरा भी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार मैं दिखाता हूं, व्हाई स्मार्ट इन्वेस्ट विद डिफरेंट टॉपिंग्स, यू वुडंट एंजॉय जस्ट वन फ्लेवर राइट, सिमिलरली डाइवर्स।
अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना गाइस कि मैं कैमरा ही देख रहा हूं, वरना क्या होता है कि मेरी आंखें बहुत ज्यादा टेढ़िया लेफ्ट राइट होता है, ऐसा होता है ना। अच्छा अब ये क्या होगा कि ये पहली बार में आप क्रैक नहीं कर पाओगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, इसको प्रैक्टिस कर करके ही आपको देखना पड़ेगा कि टेलीप्रॉम्प्टर को कैसे पढ़ा जाता है और बिल्कुल नेचुरल वे में कैसे आपको रिएक्शन देना होता है। मतलब अब जिस लाइन को पढ़ रहे हो फ्लैट थोड़ी ना पढ़ोगे, कोई आप ऐसे किसी को सुनाने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल इन्फ्लुएंस करने के लिए पढ़ रहे हो। तो ये प्रैक्टिस के साथ आता है, मेरे लिए भी प्रैक्टिस के साथ आया था कि मैं किस लाइन को किस एनर्जी के साथ बोलता हूं ना, वो पढ़ते पढ़ते वो मेरे प्रैक्टिस में आ गया। तो इसलिए पहले बता दूं आपको, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम हो सकता है 10 बार करने के बाद भी आपको लगेगा यार टेलीप्रॉम्प्टर से हो नहीं रहा है, लेकिन बिल्कुल भी आशा नहीं छोड़ना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और इस दुनिया के हर उस इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा जो टेलीप्रॉम्प्टर पे आया है लेकिन आज वो एक्सपर्ट है। ध्रुव राठी की अगर आप वीडियो देखते हो, इनफैक्ट आप हर बड़े जितने भी इंफोटेनमेंट वाले कॉन्टेंट बनाते हैं उनकी वीडियो देखते हो, वो टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ के बात करते हैं। कितना बढ़िया तरीके से सीख गया इस टाइम पे वो अपना बात करना टेलीप्रॉम्प्टर पे। उनकी वीडियोस कहां हिट होती है, कैसे लेवल पे जाती है, आप सबको पता है। बस अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो आपकी लाइफ जो है वो सेट होने वाली है। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं, which is the editing of this video. इसके लिए भी मैं आपको एक फ्री टूल बताने वाला हूं, and that is YT Create. ये ऑफिशियल YouTube का एडिटिंग टूल है 100% फ्री, और इसके अंदर इफेक्ट से लेके स्टॉक फुटेज से लेके इतने तमाम चीजें हैं कि आप सोच नहीं सकते, जितना कि आप किसी बाकी ऐप को पे करके जितना आप वहां से फीचर ले सकते हो इसमें आपको फ्री में मिल जाता है। तो प्लस बटन पे क्लिक करना है और यहां पर आके आपको अपना वो वाला वीडियो इंपोर्ट कर देना है जिस वीडियो को आप यहां पर एडिट करने वाले हो। अब डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फाइल ये उतना टाइम लेगा, और आपके फोन पे भी डिपेंड करेगा कि उसका प्रोसेसर कितना स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा टाइम तो लेगा। जैसे मेरा अभी 76% 78% पे हो गया बिकॉज़ मेरा फोन का प्रोसेसर थोड़ा सा फास्ट है, और ठीक है आपके केस में आप थोड़ा सा देख लेना, पेशेंस रखना है, बस सारा गेम इस दुनिया में पेशेंस का है गाइस। देखो सो गाइस ना वो वीडियो मेरी आ गई है, और देख रहे हो कि वो जो टेलीप्रॉम्प्टर का जो पॉप आउट बॉक्स था वो कहीं पर भी नहीं है पूरे वीडियो में। मतलब कैमरा पहले ऑन होना चाहिए। अब इसके बाद आपको एडिटिंग करना सिखाता हूं गाइस। अब देखो कहां से मेरा मेन कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, ये तो मैं आपको ट्यूटोरियल पर्पस के लिए बताया जा रहा हूं। तो गाइस यहां से मेरा स्टार्ट हो रहा है, यहां से तो मैं क्या करूंगा यहां पर एक कट लगा लूंगा लाइक दिस। कट कहां से लगेगा, ये जो आपका कैची वाला आइकन है इसको क्लिक करना है, कट लग गया, पहले का जो है डिलीट कर देना है, डिलीट बटन पे क्लिक हो गया। तो अब मेरा जो कंटेंट है कहां से स्टार्ट हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ। सो अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं इस तरीके से मेरा कंटेंट यहां से स्टार्ट होगा। कैसा देख रहे हो कि मेरा आंखों का जेस्चर, बोलने का तरीका, मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी, ये सब मेरे प्रैक्टिस में आ गया है। इसलिए पहली बार आपके सामने स्क्रिप्ट डाउनलोड किया है और उसको मैंने ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि मजा आ गया। डिफरेंट टॉपिक्स, यू वुडंट एंजॉय जस्ट वन फ्लेवर, राइट? सिमिलरली डाइवर्सिफाइंग मींस इन्वेस्टिंग अक्रॉस वेरियस एसेट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। व्हाई गाइज जहां पर रीटेक लिया था खाली मुझे वो एडिट करना है, तो मैं उस पॉइंट का वेट कर रहा हूँ कि वो रीटेक कहाँ आया था। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि रीटेक को कैसे आपको एडिट करना होता है। You can spread them out and watch them grow. Now let's not forget those who have their investments spread out. आगे रीटेक गाइज। अब ये दो यहां से मैंने दोबारा रीटेक लिया तो यहां से कट होगा, और पहले का रीटेक वन क्या था वो देख लेते हैं, जो कि एरर था वो कहां से था। देखो दोस्त वहां पर भी दोस्त तक था, देखो ये रहा ये दोस्त। तो दोस्त ढूंढना है अपने, पहले दोस्त कहां बोला था लाइक ये वाला दोस्त, ठीक है। तो यहां पर दोस्त में आप देख रहे हो कि छोटी सी नीचे जो कर्व है ये वेवलेंथ जो है ये साउंड की है, मतलब यहां पर मैं रुक गया था, इसका मतलब यहां पर कट लगाना है। तो आप यहां पर एक कट लगा दो और ये वाला पूरा पोर्शन ही काट दो, ये वाला जो आपको दिख रहा है बॉक्स के अंदर, इस पोर्शन को डिलीट कर दो। अब आपका यहां पर बन गया लाइक पूरा लाइन सीक्वेंस, देखो कटिंग ने पूरा आपका जो रीटेक है उसको ही उड़ा दिया। रिमेंबर 2008 दोस हु हैड दोस हु हैड, एक और रीटेक है तो मैं यहां से भी इसको भी डिलीट करूंगा, कट एंड देन इसको डिलीट लाइक दिस। परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप कटिंग को पूरा करके वीडियो को एक मिनट तक ले आओगे। अभी वीडियो मेरी कितनी है, 1 मिनट 41 सेकंड की है, हालांकि ये कट जाएगा मुझे पता है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी अननेसेसरी बातें की है जो कि आपसे बात करते वक्त मुझे करनी थी, तो वो सारी चीजें यहाँ पर डिलीट होगी। डिलीट करने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ जहां जहां आपको टेक्स्ट की जरूरत है आप टेक्स्ट ले लोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेन टेक्स्ट या टेक्स्ट इफेक्ट्स आपको लेना है, लाइक मैं यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट लेता हूँ, आने दो इसको एक बार। टाइटल क्या है मेरा, मेरा है डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिटी कर दो, ठीक है ये मेरा टाइटल है, मैंने इसको कर दिया डन एंड
डन पे क्लिक। और भी कुछ इसमें एडिट करना है तो आप कर सकते हो, बाकी आपका हो गया। इसको आपको जहां रखना है आप रख दो। एंड अब आपको जो भी साउंड वगैरह लगाना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस वीडियो के साथ एक बढ़िया साउंड लगाना है बैकग्राउंड में, वो क्या क्या होना चाहिए एक बार देख लो। साउंड इफेक्ट्स है, आपका म्यूजिक है, म्यूजिक फॉर एग्जांपल मैं प्ले करके देखूंगा कौन सा म्यूजिक जो है मेरे इसके साथ जाएगा। ध्यान रखना म्यूजिक लगाना बहुत जरूरी है, उससे क्या होता है कि इफेक्ट आता है, मतलब एक बैकग्राउंड म्यूजिक ना आपके वीडियो में जान डाल देता है। गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक कोशिश करना कि आपके सारे वीडियोस में सेम बैकग्राउंड म्यूजिक हो, ताकि आपका ऑडियंस एक बार आपको सुनते सुनते ना उनको ना हर बार की फीलिंग आ जाए कि ये ऋषिकेश रॉय की वीडियो है या फिर आपकी वीडियो है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मैंने इसको एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट कर लिया है। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको स्टार्टिंग से लगाना है, तो स्टार्टिंग से लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो इसको मैं यहां से स्टार्ट करूंगा लेना। तो गाइस जैसे मैंने सेट कर दिया तो वॉल्यूम जो है इसका तो डेफिनेटली मुझे डाउन रखना पड़ेगा। मुझे उस रेशियो को मेंटेन करना है कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अननोइंग या इरिटेटिंग ना लगे और मेरा जो वॉइस है वो ऑडियंस को क्रिस्टल क्लियर सुनाई देना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू इन्वेस्ट इन बट हाउ यू स्प्रेड योर रेस्ट। थिंक ऑफ इट लाइक अ पिज़्ज़ा विद डिफरेंट टॉपिंग्स, यू वुडंट एंजॉय जस्ट वन फ्लेवर। सिक्स रख दिया, अब मेरा वीडियो सुनो आप। एवर वंडर्ड व्हाई स्मार्ट इन्वेस्टर्स रियली पैनिक, इट इज ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू इन्वेस्ट इन। मैं मान लेता हूँ मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक दे दिया है, मैंने सारे इफेक्ट्स वगैरह दे दिया है, टाइटल दे दिया है, जितना भी मुझे जो जो देना है, कैप्शन। गाइस सबसे बड़ी बात कैप्शन, अगर आपको लगना है कि कैप्शन आपको चाहिए अपने वीडियो के अंदर तो यू कैन यूज इट। लाइक हिंदी में कैप्शन है, जनरेट पे क्लिक कर दो, ये आपके वर्ड को जनरेट करके कैप्शन देना शुरू कर देगा आपके वीडियो के लिए, सो दैट आपकी वीडियो की एंगेजमेंट भी बनी रहे, है ना। अब ये जैसे मेरा कंप्लीट हो जाता है तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी गो एंड क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। द मोमेंट आई विल क्लिक ऑन एक्सपोर्ट गाइस, ये वीडियो मेरा मेरे इस फोन में एक्सपोर्ट मतलब डाउनलोड हो जाएगा, जिसको अब मैं चाहूं तो YouTube शॉर्ट, Instagram रील्स, TikTok नहीं है इंडिया में बट जो ये बाहर से देख रहे हैं उनके लिए TikTok पे अपलोड करके। गाइस आप यकीन नहीं मान सकते आप इस कंटेंट इंडस्ट्री का कितना बड़ा हिस्सा बन सकते हो, एंड आई एम सीरियसली स्पीकिंग ऑन दैट गाइस, कि आपकी लाइफ बनने वाली है। रीजन क्योंकि 2024 इतना बड़ा बूम आने वाला है, OpenAI ने भी सोरा लॉन्च करना शुरू कर दिया है, कि आप अगर इस पे नहीं अपना हाथ साफ किया मतलब आपने इस मौके को छोड़ दिया तो गाइस आपके लिए इस दुनिया में और कब नेक्स्ट मौका आए मुझे नहीं पता, बट मैं ऐसे ही अपने चैनल पे वीडियो कंटेंट देता रहूंगा ताकि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो अपने करियर के लेके, कि क्या स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो गाइस आशा करता हूं कि आज भी आपका दिमाग ठनका होगा, आज भी आपने कुछ ऐसा जबरदस्त सीखा होगा जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो गाइस लेट्स डू वन थिंग गाइस, मैं भी शुरू हो जाता हूं जल्दी से, मैं अपने निच के जो स्क्रिप्ट है डाउनलोड करके अपने लिए एक YouTube वीडियो शॉर्ट बना लेता हूं। तब तक के लिए गाइस इजाजत दीजिए, बाय, जय हिंद।